यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सब लिया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा। सब छोड़ छोड़ के चले गए, तब हाथी ने कहा कि हे परमात्मा, अब मेरा तेरे अलावा इस दुनिया में कोई है नहीं, और तू यदि कहीं है, सच्चा है, तो आज बचा ले, आज के बाद पूरे जीवन को तेरे ऊपर निछावर कर दूंगा। ये ठाकुर जी से प्रार्थना करें। अब न तो मेरी बुद्धि काम कर रही है, न मेरा शरीर काम कर रहा है, न मेरी इंद्रियां, लेकिन मुझे तेरी याद आ रही है। तू कहीं होता हो तो आज बचा ले। नान्यद किंचिद विजाना, किंचित विजानामि त्वमेव शरणम मम, मैं केवल एक तेरी शरण में हूं। तू कहीं होता हो तो आज बचा ले। और इतनी पुकार जैसे ठाकुर जी ने सुनी, हिल गया सिंहासन। रुक्मिणी जी बैठी थी पास में लक्ष्मी जी, एकदम दौड़े। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे कहां, अचानक से एकदम कहां? उन्होंने कहा, मेरा निज धाम में, और थी कहना चाहते थे हाथी के पास, लेकिन हाथ उचलो निज धाम में और थी हाथी के पास। हाथी शब्द पूरा हुआ नहीं, हा उचरो निज धाम में और थी इसलिए हाँ वहां और थी यहां। इतने में तो प्रकट हो गए, सुदर्शन चक्र लिया, छोड़ दिया। लेकिन काय का परिणाम था, नान्यद किंचिद विजानामि त्वमेव शरणम। लेकिन हाथी जब तक संसार का रहा तब तक भगवान नहीं आए, लेकिन जैसे उसने कहा कि आज के बाद मैं दुनिया का नहीं रहूंगा, तेरा हो जाऊंगा, पर तू आज तो बचा ले, उसी क्षण ठाकुर जी आ गए। तेरी मर्जी मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अल मेरे राम, मेरे अल मेरे राम।
करा लो मैं हूँ तुम पे निछावर, जो भी करा लो मैं हूँ तुम पे निछावर। चाहे दे दो सजाया ना, मर्जी का मैं हूँ बोला।